राजस्थान की कानून व्यवस्था की हालत सबने देख ली। भिवाड़ी में घटना घटी और सरेआम गोली मारकर भीड़ बड़े भरे मार्केट में गोलियां चली, चार लोगों को गोलियां लगी, एक की डेथ हो गई जो खुद दुकान के ऑनर थे, ज्वेलरी की दुकान के। ओपन डकैती करके लोग निकल गए। ये कानून का इकबाल। जोधपुर में हालात और भी ज्यादा खराब है। जोधपुर में 2 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है, 3 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है। और रेप के साथ साथ आप आश्चर्य करेंगे, राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार है रोजाना 2 दर्जन से ज्यादा रेप हो रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, लोगों को किडनैप करके ले जाना, फिर वीडियो बनाकर डालना। कानून का इकबाल खत्म हो गया। और ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। 2 डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण आपके पास, एक कानून व्यवस्था का, गृह विभाग, और एक भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार रोकने के। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जम के हो रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब आप विपक्ष में थे पूरी बीजेपी मुद्दा बनाती थी, आज तो हालात बहुत खराब हो गए। एक दूसरा डिपार्टमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कल JDA में पोल खुल गई। आप कहते थे रोज कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे, जम के लगा रहे, आपको मना तोड़ना किसी ने किया, किसी ने आपको जो करना करो कार्रवाई। लेकिन कल JDA में 7 लोग गिरफ्तार हुए और ACT डिपार्टमेंट ने बंद किया है। लेकिन विधानसभा में स्पष्ट हो गया कि अपोजिशन लीडर और प्रदेश अध्यक्ष हमारे ने मामले उठाए, सैकड़ों मामले पेंडिंग है अभियोजन स्वीकृति के। अब तो आजकल ये चर्चा चल रही है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अभियोजन स्वीकृति के लिए जब लेटर भेजता है मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो उसमें भी कोई खेल हो जाता है, स्वीकृति नहीं दी जाती। तो या तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए या फिर आपको स्वीकृति देनी चाहिए। रोज अखबारों में खबरें छप रही है भ्रष्टाचार, कहीं पर अस्पताल की जमीनें बिक रही है, कहीं पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे जैसे मनमानी कर रहे हैं। अब आपको एक्शन करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। हमें उम्मीद है आपके 2 डिपार्टमेंटों की सबसे ज्यादा हालत खराब मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंटों की है। एक कानून व्यवस्था चौपट हो गई, दूसरा भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। तो इन 8 महीनों में 2 काम जबरदस्त हुए, लूट, डकैती, बलात्कार और भ्रष्टाचार। इसमें रिकॉर्ड बनाया राजस्थान की सरकार ने। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहूंगा कि राजस्थान की जनता पुकार रही है, लोग देख रहे हैं, सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार नजर आनी चाहिए, सर्कस नजर नहीं आना चाहिए। मुझे पक्की उम्मीद है आप कोई एक्शन लेंगे। और मैं तो फिर आपसे कहूंगा, यदि कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस के शासन में अच्छा शासन कैसे चल रहा था, आपको एक दिन जाके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिल लेना चाहिए, उससे कोई कमी नहीं है। यदि राजस्थान का भला हो रहा है और एक मुख्यमंत्री यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री से जाकर मिलकर राय लेकर राजस्थान को चलाए तो कोई गुनाह नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, नहीं तो राज का सिस्टम खत्म है, लोगों का भरोसा टूट चुका है।